अभी सबसे पहले हम एबी स्कैनर के बारे में बात करेंगे। सो एक चीज हमें पता है कि एबीस के दोनों रेमेडीज, अगर आपने पहले भी बैक्टीरिया मेडिकल में पढ़ा हो, डॉक्टर बोरिक ने इनके बारे में दिया है, तो दोनों ही एक बहुत ही गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस की प्रोमिनेंट रेमेडीज। दोनों मेडिसिन का प्रोमिनेंट, जो प्रोमिनेंट एक्शन है ठीक है ना, वो है गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस, स्टमक के ऊपर सबसे पहले, इंटेस्टाइन भी नहीं बाकी भी नहीं, सबसे पहले इन दोनों का प्रोमिनेंट एक्शन है स्टमक के ऊपर। अभी दोनों रेमेडीज बहुत ही कॉमनली यूज होती है ठीक है ना। जो एबिस नाइग्रा नाइजर है हमारी जो रेमेडी, वो मोस्ट मोर प्रोमिनेंटली फीमेल बेस्ड रेमेडी है, फीमेल्स पे ज्यादा प्रूविंग उसकी प्रॉपर की गई है, फीमेल्स में ज्यादा उसके सिम्टम्स देखे गए हैं। जो एबिस कैन है ये दोनों सेक्सेस में देखी जाती है ठीक है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द एक्यूट कंडीशन, जो एबिस कैन है ठीक है ना, एबिस कैन जो रेमेडी है ये एक्यूट कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल होगी। कोई की भी एक्यूट कंडीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी बेस्ड हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो गैस्ट्रिक डायरियाज हो, पेन हो ठीक है ना, तो उसमें ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोई भी आपको एक्यूट कंडीशन मिलेगी उसके साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टरबेंसेस जरूर मिलेंगे इन एबिस कैन, मतलब गैस्ट्रिक जो डिस्टरबेंसेस हैं यही एक फर्स्ट ओरिजन बनते हैं किसी भी और डिजीज का, जैसे हेडेक माइग्रेन है प्रॉब्लम, लेकिन वो कैसे होंगे, गैस्ट्रिक माइग्रेन होंगी ठीक है ना, तो वो गैस्ट्रिक माइग्रेन होंगे, तो गैस्ट्रिक से उसकी ट्रबल्स शुरू होंगी, गैस्ट्रिक सिम्टम्स उसके साथ पेशेंट ठीक। तो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंसेस के अगर कभी भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप केस टिकिंग कर रहे हो, सो दीज टू रेमेडीज यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, स्पेशली इन एक्यूट फेज ठीक है। तो जो एबिस कैन है ये जनरली फर्स्ट फेज ठीक है ना, विच इज एन इंफ्लामेटरी फेज ऑफ डिजीज, उसको प्रमोट करते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक में हो, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में हो, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो, तो इंफ्लामेटरी स्टेज में बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है एबिस कैनेटिस का ठीक है। तो अगर मेंटल इफेक्ट्स की बात करें, जनरली आप मटेरियल मेडिका में देखेंगे कि एबिस कैन का माइंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, कुछ कुछ पॉइंट पे कुछ कुछ डॉक्टर्स ने कुछ कुछ केसेस में इसको डिफाइन किया है, बट जो हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में देखा है वो है, इसको ये इनकी डिस्पोजिशन होती है क्वाइट ठीक है, इंटेलेक्चुअली दे आर डल एंड इनपेशेंट पीपल ठीक है, डल है इनपेशेंट है, जो इनका डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही इंपल्सिव होता है ठीक है, और इंपल्सिव और इम्पेशेंस में क्या होता है, दे आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। सो एबिस कैन इज नॉट एन वेरी इंटेलेक्चुअल रेमेडी, एबिस कैन इज नॉट अ वेरी कॉशियस रेमेडी, ये जो बहुत सोच समझ के ध्यान से हर बात करें, दे आर डल एंड इम्पेशेंट जनरली, कॉन्फिडेंस लेवल या इनकी विल इट इज वीक, वीक विल्ड पीपल होती है, जनरल जो स्पीड है चाहे वो जनरल जो स्पीड है इट इज जनरली वेरी स्लो, स्लो स्पीड पीपल होते हैं, दे आर द पीपल हु आर मोर ऑन द एंशियस साइड, एंग्जाइटी बनी रहती है किन चीजों को लेके, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को लेके, कि यार कोई नुकसान ना हो जाए, किसी से किसी भी लॉस की बात सुन ली, यार मेरे साथ भी ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए ठीक है। तो एंजाइटी अबाउट लॉस, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, इजीली ऑफेंडेड, ये कुछ चीजें हैं जो इनको डिफाइन करती,